पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो सिंबल ऐसा दिखेगा। कभी कभी आपको सिंबल ऐसा भी दिखने को मिलेगा, इसका मतलब है अ कैपेसिटर विद अ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, और इसका मतलब है कैपेसिटेंस विद अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैन चेंज। हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, कैपेसिटेंस चेंजिंग कैपेसिटेंस हम नहीं करेंगे, हम फिक्स्ड कैपेसिटेंस करेंगे, हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। अब सपोज करो वो कहता है मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है किसी कैपेसिटर की, अब कैपेसिटर कौन सा, वगैरह कुछ भी ले लो। तो मैंने रैंडम एक कंडक्टिंग बॉडी ले ली, ये मेरी कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के यहां पर चार्ज है, ये किसने दिया, ये मैंने दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चार्ज को स्टोर करे, और कितना चार्ज स्टोर करे, प्लस क्यू चार्ज स्टोर करे, तो ये प्लस क्यू चार्ज है। बाय इंडक्शन इसके सामने कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया, अंडरस्टूड है यहां पर अर्थ ही होगा, ड्रॉ करना बंद कर दिया, पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि अकेला कैपेसिटर इतनी कैपेसिटी नहीं देगा, आपको सामने एक पैरेलल प्लेट या पैरेलल बॉडी रखनी पड़ेगी ताकि इसकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाए। तो मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगेगा, आप इसका नाम वी वन वी टू कुछ भी रखो, मैंने वी प्लस रख लिया। वी प्लस का मतलब है दिस बॉडी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसी नेगेटिव चार्ज बॉडी है इसके ऊपर वी नेगेटिव लिख लिया, इसका मतलब इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि दो पॉइंट्स हैं, एक 10 वोल्ट पे है एक माइनस 10 वोल्ट पे है, किसका पोटेंशियल बढ़ा, 10 की माइनस 10, मैं आंसर प्लस 10 बोलूंगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हमेशा ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक। टॉलन वालों को क्लियर है ये, ठीक। तो अब इस केस में एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल, अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनके बीच में, तो आप बोलोगे वी प्लस माइनस वी माइनस, ये देखो ऐसे ऐसे कि बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस। और अगर आप ये पूछो कि इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी सी, तो कैपेसिटेंस होगी चार्ज, चार्ज किसका, जो ओरिजिनली मैंने दिया था, मैंने क्या दिया था, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों बॉडीज का, वी प्लस माइनस वी माइनस। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्लियर है कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एक इन जनरल तरीका है दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, हाँ ओवरऑल होती है, मतलब हम इसको इसका पार्ट मानते हैं, तो वैसे ओवरऑल मैं चार्ज यहीं स्टोर कर रहा हूँ, इसको ओरिजिनल चार्ज मैंने तो दिया नहीं, बाय इंडक्शन है, बट हाँ कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का लेना होता है, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल में फर्क डालता है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक इन जनरल तरीका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला टॉपिक है, अब हम कैपेसिटर डिजाइन करेंगे, तो टॉपिक है कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या किया, हमने दो पैरेलल शीट्स ली, ये पहली और ये दूसरी, इस पे मैंने चार्ज दिया कितना क्यू, बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आया माइनस क्यू, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस कितना है डी। तो अब इसमें जो एरिया कितना है इस प्लेट का ए, एंड इस क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, क्लियर है यहां तक। अब अगर मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है अरेंजमेंट की, तो इसका चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। कोई कहता मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसमें से इसे माइनस करूं कि इसमें से इसे माइनस करूं, तो क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसे कैसे पता लगा कि v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव नहीं होगा, ऐसा क्यों, हाँ ज्यादा होता है तो क्या होगा, उल्टे नेगेटिव पोटेंशियल तो निकलते ही हैं। बोलो, पर मैं ये तो कोई रूल नहीं ना कि बड़े में से छोटा ही माइनस करना है,
क्योंकि कैपेसिटेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए बड़े में सा में से छोटा ही करना पड़ेगा। क्यों करूंगा नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस, के सी तो पॉजिटिव है, 5 लीटर माइनस कैपेसिटी सुनिए कभी, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब मैं कैपेसिटेंस निकाल लूंगा तो हर टॉपिक में मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अब दूसरा पॉइंट, मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका वर्क डन अपॉन चार्ज, दूसरा तरीका माइनस ई डॉट डी एल। तो मैं इसमें यूज करता हूँ माइनस ई डॉट डी एल। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूंगा माइनस ई डॉट डी आर से। तो ये भी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ये डेफिनेशन यूज करता हूँ तो मुझे E वेक्टर और dr वेक्टर में एंगल चाहिए होगा। अब मुझे बताओ E वेक्टर कहां पर है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट। dr कहां पर है, dr कैसे डिसाइड करेंगे, ये मेरे पे डिसीजन डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैं इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा हूं तो dr इस तरफ हो जाएगा, r वेक्टर इधर हो जाएगा, लेकिन मेरी मर्जी अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो डी आर इधर हो जाएगा। या आपके ऊपर है आप कहां से कहां मूव करते हो। मैंने नॉर्मली जो मूव करना होता है या मैं मूव करता हूं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करता हूं ज्यादातर। तो इसमें भी ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस तरफ है, तो मैं इस प्लेट से इस तरफ मूव करता हूं। चलो तो जब मैं इधर मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इधर है। डी आर कहां पर है, वो भी इधर है, क्योंकि मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट इधर शो कर रहा हूं। तो ई और डी आर में एंगल क्या होगा, जीरो, ठीक है, EDR में एंगल जीरो। लेकिन जब मैं इस प्लेट से इस प्लेट तक आऊंगा, तो जब मैं इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में आऊंगा, तो मैं मान लो यहां से चला और यहां पे आया, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहला जाएगा, फाइनल पॉइंट, और ये क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। मानते हो ऐसे होता है ना कि मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं क्या होगा इनमें, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का क्या रूल होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब फाइनल पोटेंशियल कौन हुआ, वी, नेगेटिव। इनिशियल पोटेंशियल कौन हुआ, वी, पॉजिटिव। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हुआ, वी नेगेटिव, इनिशियल पोटेंशियल क्या हुआ, वी पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस सर, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो जब मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं और ई और डी आर में एंगल क्या ले रहा हूं, जीरो, इसका मतलब मेरी मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इसका मतलब फाइनल नेगेटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा, वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव। अब यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे लेना है, पर आप ऐसे ले रहे हो। तो कोई बात नहीं, अब रूल तो रूल है, जब रूल लगाएंगे कि अगर हम इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फाइनल माइनस इनिशियल ही लेना पड़ेगा। हाँ, वो कोई बात नहीं, ये जो भी टर्म आएगी उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें। तो अब जब मैं यहाँ पर एंगल जीरो पुट करता हूँ और लिमिट लगाता हूँ डिस्टेंस की लिमिट क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, डी, तो जीरो से डी। तो यहाँ से ई और डी आर में E बाहर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है प्लेट्स के बीच में, तो चेंज ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमने गॉस थ्योरम में की थी, पैरेलल प्लेट्स की एप्लीकेशन थी, क्या वैल्यू थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू है इसमें, तो E की वैल्यू हम पुट करेंगे और 1 dr की इंटीग्रेशन क्या होती है, 0 से d d, तो क्या आ गया, माइनस E इंटू d। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव की ये वैल्यू आ गई। पर मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर दो, घुमा दो, तो नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस इन टू डी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो ये टर्म आ गई, इस टर्म को यहां पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वॉट, क्यू डिवाइडेड बाय ई इन टू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, चार्ज बाय एरिया, क्यू से क्यू कैंसिल,
आंसर। तो फॉर्मूला लिखें, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? यस सर, यस सर।